ये देखो बस बस आपको काफी इतना अपना पानी हमारी आयत ने भर लिया। चलो अब आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। और ये क्या हो रखा है गाड़ी को, हम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ये इतना ज्यादा देखो फॉग कैसे आ गया, वो गाड़ी के शीशे भी नहीं दिख रहे। सॉरी बच्चों मैंने लेट कर दिया हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग माय बेबी। पक्का बीच पे जा रही, पक्का पक्का बीच पे जा रही। सुबह उठती आज कह रही थी मम्मा मैं बीच पे जा रही। इट्स फॉर यू। किसी दिन ना एक दिन बीच का प्लान बनाते हैं। जब से ये बोलना सीखे तब से बीच बोल रही है, और अभी तक हम इसे एक बार भी नहीं लेके गए। ये जब छोटे थे ना इनको हम लेकर हमेशा जाते थे, तब मेरे ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं थी। मेरी आयत जो ना शीशे देख के कहती कि इनको वॉश करो, ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं। ये आयत तो बोल रहे मगर इसको चाय वाला बनाया मेरी आयत को। छोटू चाय लाना यही बोला जा रहा है मुस्तफा। मैंने कहा था कि पकड़ ले लगन में फेंक देगी। अब खड़ी है खुश बनाना फेंक के। अच्छा खासा खा रही थी उसने बनाना फेंक दिया आपको देने के चक्कर में। अंग्रेजी गाने सुन रहे आपके पापा खुश होके सुन रहे, कह रहे चुप कर दो मुझे सुनने दो। हाँ आपके फेवरेट है ये सॉन्ग। बाय 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 बाय, अपना ख्याल रखना तैयबा। बाय बाय बोला बहना को। एवरीवन इज गोइंग टू स्कूल। जाओ 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 जाओ, देखो सब बच्चे जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। फ्रेंड्स बाय बाय। तो मैं ड्राइविंग करके यहाँ पर आ गई हूँ, और लेकिन मैंने आज अच्छी खासी रोड में ट्रैफिक में चलाया है, और जिस दिन मैं सही ड्राइव कर लूंगी ना उस दिन हम अच्छे से प्रॉपर से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं जैसे मैं सीख रही हूँ तो मैंने फिर आज वीडियो नहीं बनाई, लेकिन दिखाऊंगी आपको अच्छे से कि मैं कैसे ड्राइव करती हूँ। बस आप तो यही चाहते थे ना कि मैं बैंक में ना जाऊँ, यही चाहते थे ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शाम का टाइम हो गया, आज पूरा दिन हमारा व्लॉग नहीं बना, मेरी हस्बैंड हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, तो वो चले गए अपनी ड्यूटी, खैर उन्होंने पूरी की, बच्चों को स्कूल लाने छोड़ने वाली। जब दो दो वाइफ होना एक हस्बैंड के पास तो ये नेचुरल, ये बहुत कुछ चलता रहता है हमारे साथ, लेकिन मैं कंट्रोल करके हंसी के साथ आपके सामने आती हूँ, ये चीजें साइड पे रख के वैसे अपना व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी चाय पीते हैं, अम्मी से भी बात करती हूँ। अम्मी भी परेशान थी कि आज मैं पूरा दिन क्यों लेटी रही हूँ। और दूसरी आयत हेलो हेलो करो, और बाकी इस साइड पर देखें कि हमारा फर्श कितना कंप्लीट हो गया, अब कितना अच्छा लग रहा है ना घर। अब ये वाला जो हिस्सा है ना ये कल के दिन में कर देंगे, तो ये पूरा जो है ना हमारा ये वाला एरिया तो सही हो जाएगा। मैं आराम आराम से मुझे पाँव रखने और जाऊँ, मैंने चाय रखी थी। माँ ऊपर क्या कर रहा है ये देखो, मैं अपनी चाय रख के गई हूँ, चाय पक भी गई है, आप सबसे बातें करते करते। हमारा माओ जो है ना बहुत ज्यादा शरारती, तो गर्मा गर्म मजेदार देखो चाय रेडी हो गई। कोई है नीचे या तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, फिर दोनों ऊपर ही होंगे। चाय जो है ना ऊपर लेकर चलते हैं और साथ में बैठ के चाय पियेंगे। सर आज तैयबा का दिन अच्छा रहा। अब तो तैयबा का फेस भी बिल्कुल ठीक हो गया, निशान चले गए। दिखाओ तैयबा यहाँ पास करो, ठीक हो गया थोड़ी थोड़ी रह गई। ओ मेरी चाय। ये क्या चाचू अकेले बैठे हो। अच्छा मैं आपके लिए गर्मा गर्म देखे चाय लेकर आई हूँ। चाचू फ्रेश फ्रेश हवा है ना। हाँ बिल्कुल। चाय यहाँ पे रखती थी। मैं वॉक करने आई हुई है। अच्छा अभी कुछ बेहतर हुआ है फिर? नहीं हुआ, बस दर्द से हुआ। डॉक्टर को दिखाएं? उधर जाके दिखाऊं पंजाब में। आपके लिए मैं चाय बना कर लाई। ऊपर कितना प्यारा मौसम बना है ना, ठंडी ठंडी हवा और अच्छा लग रहा है। साजिद घर पे नहीं उसी टाइम का गए। तुम्हारी नहीं, ये मेरी है, चाचू को मैंने दे दिए, चाचू अपने लेके बैठे। चाय मैं लेके आ गई हूँ। अभी नीचे कारी साहब आए हैं, तो बच्चे जो है ना कुरान पाक पढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इसके अलावा आए हैं मेरे पास आज ये प्रमोशन का सूट, तो इसको भी खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अम्मी को जो है ना देख के अम्मी माशाल्लाह कर रही है, अम्मी कहती है प्यारा है। तो ये हमें मिला है हफ्सा कलेक्शन की तरफ से, जो कि फेसबुक पे ये रहा इनका ये पेज, और HS कलेक्शन बाय हफ्सा। तो कलर इसका बहुत प्यारा नहीं है, वो लग रहा है फिरोजी, जो आपको ब्लू डार्क आपको पसंद है वही वाला है। इसके अम्मी का ये कलर फेवरेट है, मैंने पहले भी बताया अम्मी मुझे बचपन में ये वाले कलर बहुत पहना दी थी अम्मी को ही। ये आसमान वाला कलर है ना, वेलवेट पे बना हुआ है। अम्मी ये बनारसी इसका ट्राउजर है, और ये इसकी कमीज है। अच्छा है ना अम्मी?
खूबसूरत है, बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये वेलवेट पे जैसे हम गांव में जा रहे हैं ना, वैसे गांव में ही मेरे काम आएगा। दुपट्टा भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कल ट्यूशन टीचर आए नहीं थे, अभी ट्यूशन टीचर ने आना है। और आपने अपनी बहना का ख्याल रखना, ओके। जो खुशा पहनने का शौक है अभी आप नहीं है, खत्म हो गए सारे शौक। अम्मी आपको खुशा पहनाओ। नहीं, खुशा दिल नहीं आता खुशे के साथ। अच्छा, ऐसे जो है चोरी चोरी भागना पड़ता है हमें। मेरे हस्बैंड वापस घर पर है, अपना मूड अच्छा करके ठीक करके वापस से निकल पड़ी हूँ। मुझे सामान लेना है, बाकी 2-4 दिन बचे हैं हमें गांव जाने में, तो अपना मूड अच्छा करना पड़ेगा। मूड खराब करने का अपना ही नुकसान होगा। ओयुद क्यों करनी हो गई, आज तो कार्टून देख रही थी। अम्मा के पास कार्टून जाके बैठ के देखो। दोबारा अम्मी को बुला के आयुद जो अम्मी को देकर आई। अब क्या करूँ, अपना मूड तो ठीक करना था। हमारा दिल नहीं है, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। दिल इनका है, दिल फीलिंग्स भी सारी इनकी है, सब इनका है। अब कैमरे पे सब हंसने लग जाते हैं ना, सबका मूड ठीक हो जाता है। कैमरे में कोई जादू है ना, कैमरे में कोई जादू चीज ही ऐसी है ना। कैमरा चीज ही ऐसी है, मतलब किसी से हाँ कोई बात करवानी हो तो कैमरा खोल दो, हाँ हाँ कर देगा, बात भी मान जाएगा। आपका दिल, आपकी फीलिंग्स, और आपकी बीवी का दिल और आपकी बीवी की फीलिंग्स, मैं नहीं हूँ। सबकी फीलिंग है, सब मेरी फीलिंग्स कहाँ गई, मेरा दिल कहाँ गया, आपका भी है सब हाँ? वो गया, कब का खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, सूट सिल गया मेरा एक एक भाई जो आपने सूट सिया, लग तो बहुत प्यारा रहा है। अभी हमने दिखाना नहीं है, बहुत खूबसूरत सूट है। और अभी इनके पास और भी सिल के आए हुए हैं, तो टेलर से मैं अपने कपड़े लेकर आ गई हूँ। सिलाई तो बहुत अच्छा किया, लग भी बहुत प्यारा रहा है। अब घर पे जाके पहन के चेक करूंगी, फिर इनको फोन करूंगी, फिर बाकी की कटिंग करेंगे। ज्यादा जाना ये शापर पूरा हैंगर का मंगवा लिया कि अब सब बच्चों की कबड़ अलग अलग करने की वजह से हैंगर बहुत काम आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो मेरे हस्बैंड चाइनीज सूप, ये वाला सूप जो है ना, यहाँ इस गली से अगर हम जाते ना मोहल्ले में, इस गली से एक दो गली पीछे छोड़ के हमारा पुराना घर है, तो यहाँ से मैं आती थी सूप लेने के लिए सर्दियों में। तो ये सर्दियों में ये वाला ठेला यहाँ पर लगता है, तो ये आज इतना टाइम बाद मेरे हस्बैंड तो खैर डेली लेते तो थे। आता रहता हूं। ये साथ ना एक बर्गर वाला भी है, 80 रुपए का बर्गर मिलता था, और वो भी जब मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा बढ़ते आती थी वहां से मैं बर्गर खाने, मुझे बर्गर अच्छा लगता था। तो ये एक बर्गर वाली शॉप, और एक ये सूप वाली शॉप, एक दूध और दही वाली, एक सब्जी वाली, एक बर्फ वाली, और एक जो वो मेडिकल स्टोर होता है, ये जो घर के पास वाले, ये 4-5 गिने चुने जो शॉप्स है ना, मुझे कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगी, क्योंकि मेरा हर टाइम पे यहाँ पे आना जाना होता था। अभी हम यहाँ पर आए, मुझे लेना है अपने रूम के लिए एक शीशा लेना, बहुत खूबसूरत सा, जिसमें मेरी पूरी ड्रेस दिखनी चाहिए। और मैं कब से सोच रही हूँ, आज यहाँ पर हमारे घर की ये बिल्कुल पास है हैबिट, तो हमें मुझे मिरर चाहिए था ना, वो ये वाला रहा है। और इसका अभी प्रोसेस है, तकरीबन कितने टाइम में मिलेगा ये वाला, ये इस तरह का चाहिए होता है, तो इसमें देखिए पूरे के पूरे हम दिखते हैं, पूरा कवर हो जाता है। और ये मुझे चाहिए मेकअप रूम के लिए, जो मैंने अपना मेकअप रूम सेट करना है उसके लिए चाहिए। और ये है वाइट, तो मुझे ब्लैक चाहिए, अभी कह रहे हैं कि 2 दिन तक मिलेगा। और बाकी इस साइड पर जो है ना, मुझे आयत के लिए वाला बेड बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद भी आया, लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि जब तक अपना घर हो जाए तब अपने घर के लिए ये वाला मैं ले लूंगी। इसके साथ में सब कुछ जैसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं बच्चों के लिए, सब कुछ पूरा एक सेट हुआ, पूरा रूम सेट बने हुए हर एक जगह पर मिलते हैं, जैसे कि इस तरह का बना के रख सकती हूँ, इस तरह का। बाकी सब अच्छा लग रहा है, लेकिन इन सब में से ना सब छोटे छोटे सिंगल सिंगल बेड हैं बच्चों के लिए, ये जैसे लिविंग एरिया का, ड्राइंग रूम का, ये सब सेटअप बना हुआ है। और आयत के पास ना सेम ऐसा मम्मी डैडी है, यहाँ पर सेम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। शुक्र है कि हम साथ में आयत को नहीं लेकर आए, वरना आयत ने तो इन सारी चीजों को छोड़ना नहीं था। के लिए ये वाला इसके लिए सही रहेगा, इसमें 5-6 साल तक का बच्चा बैठ भी सकता है, इसमें ज्यादा ये नहीं है कि इसमें किसी भी रूम में, बाहर लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। बस अब यहाँ से निकलते हैं, जितनी चीजों को देखते जाओ, मतलब दिल करता है कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, तो इन सारी चीजों को देखते देखते ना बस मेरा दिल इधर ही रह जाएगा। अच्छा बनाओ, इतना खूबसूरती से सब कुछ लगा, ऐसे छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी सारी चीजें, इतना प्यारा लग रहा है। और जब इंशाल्लाह हमारा घर होगा तो ये सारा कुछ उस तरीके से सेट करवाएंगे। आए तो हम वैसे भी थे एक चीज लेने के लिए, लेकिन अभी जो है ना, जो हमें दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमारी पूरी शॉप का विजिट करते हुए जाएं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है ना बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा है, आप सभी मेरे साथ देखो कितना अच्छा लग रहा है। रिजवान जहीर सबको इस तरीके से विजिट कराती हैं, और इतना इनका इखलाक अच्छा है, सब कुछ इन्होंने कहा कि आप दिखा लो, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है भले आप खरीदो नहीं, लेकिन अच्छे से देखो, विजिट करो। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हमें आइडियाज नहीं मिलते यहाँ पर, ये है कि हर एक चीज को ऐसे ऐसे बना के रखा हो, इस तरीके से बहुत अच्छा आइडिया मिलता है रूम को सेट करने का। जैसे कि ये वाला साइड वाला कॉर्नर बना के रखा हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ये वेलवेट के सोफे,
हैट के साथ ये जो ऊपर ये वाला डिजाइन है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ। इतने छोटे छोटे से क्यूट से सोफे हैं, बहुत बड़े साइज के नहीं है, ऐसे रूम में सेट कर सकते हैं ना। पर साथ में फूल कैसे रखे हुए हैं, चलें अभी। तो यहाँ पर हमने सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो गया सब कुछ बहुत। लेकिन बच्चों वाला जो सेक्शन था ना, वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, और इंशाल्लाह वैसे बनाएंगे बच्चों का। साइड पर नीचे सारा क्रॉकरी का हो गया। अब ये देखो, तो इतनी प्यारी चीजें, दिल कर रहा है कि सारी चीजें उठा के ले जाएं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं अपने घर का, कि जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तब तक तो हम पहले छन्नी पहले ही लगी हुई है। छन्नी लगी हुई, देखो ऐसे डायरेक्ट ताके डालो। ये बहुत प्यारी नहीं, शीशे की है ये वाली, ये व्हाइट वाली भी बहुत अच्छी है। इसमें चाय मेरे ख्याल से गर्म रह जाती है। मिलता ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, न्यू डिजाइन आया इनका, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। वजनी है ये, काफी हैवी है। हम बता दें कि ये सारी चीजें जो भी हम देख रहे हैं, हैबिट पे देख रहे हैं, अगर किसी को भी लेना हो तो यहाँ पर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। जिसको भी अपना घर सजाना हो और ऐसी अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें लेनी हो तो वो हैबिट से ले सकता है। एक वो खाने की टेबल रही, एक ये रही, एक ये रही। अब इनमें से व्हाइट वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, ये वाला अपनी जगह पर अच्छा है, ये व्हाइट वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसका असल में ये जो डिजाइन है ना मार्बल का सेट जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। सबसे छोटी वाली टेबल सबसे छोटी फैमिली की, सिर्फ चार चेयर्स के साथ। और अब आ जाते हैं इस साइड पर। इस साइड पर सबसे मेरी फेवरेट चीजें क्या लगी हुई हैं, मग लगी हैं। अब यहाँ से मैं एक मग तो लेकर जाऊंगी, ग्रीन में ये वाला। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मुझे और ठहर पहले ये येलो वाला नीचे दिखाएगा। इसके अलावा ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, वो वाला भी। लेकिन इस तरह के घर पर है ना, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये वाला ग्रीन वाला नहीं, ये बहुत बड़े, ये वाला बहुत पूरा चाय का पतीला आ जाएगा। ये वाले अच्छे लग रहे हैं। तो ये लिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ से सामान, बाकी हमारा मिरर जो है ना हमें एक दो दिन तक मिलेगा, और पेमेंट अभी हमने कर दी है। एक दो दिन तक जैसे मिलेगा फिर आएंगे। अल्लाह कितना अच्छा था ना सर, है ना। मैं अपने लिए जो है ना एक दो लाइट्स लिए सितारा के आसमान के लिए, और उसके अलावा जो है ना मैंने खूबसूरत से तीन मग लिए, अभी घर चल के अम्मी को दिखाऊंगी तो आप सब भी देखना। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, और इन सारी चीज़ों को देख के मतलब ऐसे दिल करता है कि अभी अभी बस जल्दी जल्दी से हमारा घर हो और उसमें मैं सारा कुछ ये शिफ्ट करूं, ये सारा कुछ बना कर रखूं। बहुत खूबसूरत मतलब, और ये सारी चीज़ें तो खैर औरत की फेवरेट होती हैं, हर औरत की, हर लड़की की, कि मतलब उसका ऐसे घर बने और एक एक चीज़ ऐसे प्यार से सजाए, और इंशाल्लाह हम सजाएंगे। और ये सारी यादें भी हम YouTube पर दिखाएंगे, बनाएंगे अपनी यादें खूबसूरत सी अपने घर को सजाने वाली। माँ हमारा इंतजार कर रही थी, माँ आज बाहर सैर पे नहीं गई। तो जब से ये फर्श बना इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे जब पूरा बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी आए तो वहीं के वहीं सो गई, अभी मोबाइल पे कार्टून देखते देखते सो गई। रानी मेरी शहजादी, तंग तो नहीं किया था, नहीं किया था अम्मी। मैं इतना तई बहु उधर चाचू के साथ सो गई है अम्मी, इतना खूबसूरत। मैं अभी फर्नीचर देख कर आई हूँ आयत के लिए, बच्चों के लिए बेड इतने प्यारे प्यारे थे, तो बहुत अच्छा था। घर लेना जब घर अपना लोगी फिर अम्मी, ऐसे लग रहा है जैसे आप रोई हैं। रो रही थी क्या? हाँ, नहीं, क्यों नहीं, रो रही थी, क्यों रोई है? बस बताए ना अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ हुआ है अम्मी? नहीं नहीं, ठहरे ठहरे मैं बताए। बस अम्मा रो रही, आपको पता नहीं था? नहीं ये खेल रहा। हाँ, नहीं, तो मैं उसने भेजे वीडियो। क्या था उस वीडियो में? ठीक है, हम सब आपके साथ। नहीं
तो इसके साथ जो है ना मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड। टाइम भी अभी बहुत ज्यादा हो गया, 11:30 का टाइम हो रहा है, अभी तक मैंने अबाया नहीं निकाला। अम्मी जैसे आई तो बस मैं जैसे आई अम्मी रो रही थी, तो मतलब छुपा रही थी अपने आंसू, मुझे पता चल जाता है। और खैर मैं ख्याल बहुत ज्यादा रखती हूँ अम्मी को, अभी अम्मी ने खाना नहीं खाया तो मेरे को खाना खिलाया, फिर चाय दी अम्मी को सुला कर अभी आई हूँ। और अब जाकर अपना अबाया निकालती हूँ, बस सोती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं सबको यही कहूंगी कि माँ जब तक मतलब उन्होंने ऐसी कोई वीडियोस देख ली थी, मैंने मोबाइल फिर साइड पे रखा है। अम्मी का दिल हमेशा जब भी दुखता है सिर्फ अपनी औलाद की वजह से दुखता है, और ये बात हकीकत है कि माँ हमेशा, माँ के लिए ना सबसे बड़ा दुख इस दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई दुख नहीं है। अब हम खुद देख लें, हमारे बच्चे हैं अब इतने छोटे छोटे होते हैं, उनको उनके लिए हम कितना कुछ करते हैं, फिर बड़े कर रहे हैं उनके, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां, उनके रिश्ते, ये सब कर करा के बाद में जब बच्चे, जब माँ बाप के बैठने का टाइम होता है उसके बाद जब बच्चे इज्जत ना करें, तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख इससे मुझे नहीं लगता कि कोई हो। तो माँ बाप ये सब बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो अम्मी का दिल बहुत ज्यादा दुखता है इन सारी चीजों से, बच्चों की वजह से खासतौर पर, जो कि मैं अम्मी को समझाती हूँ कि वक्त पे, वक्त आने पर सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी जिनकी माए, जिनके माँ बाप अभी आपके साथ है, उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका प्यार करो, कि वक्त जब गुजर जाता है ना तो वो लौट कर नहीं आता। मैं अपने अब्बू को याद करती हूँ ना, तो मतलब उस टाइम तो हमारी इतना एज भी नहीं थी जब मेरे अब्बू की डेथ हुई, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ काश वो वक्त वापस आ जाता, जब अब्बू ने ये मांगा था, वो उठा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो हम वो उस वक्त में वापस जाके अब्बू की हर एक बात पूरी करें। और इस एज में जब हमारे पेरेंट्स पहुंचते हैं, जब बच्चों की शादियां कर देते हैं, तब उनके वक्त होता है बैठने का और अपने बच्चों को खुश देखने का, उनका अच्छा टाइम देखने का। और बच्चे जब वो भी पूरा ना कर पाए, उसके अलावा माँ बाप की इज्जत ना करें ना, तो बहुत बड़ा दुख है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और अम्मी ये सारी चीजें दिल ही दिल में बहुत ज्यादा सोचती है, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ इन सारी चीजों से अपनी अम्मी को दूर करने के लिए। जैसे कुछ टाइम पहले मैं सिलाई मशीन लाई हूँ, फिर लेस ले दी, ताकि अम्मी ये छोटे छोटे काम करके अपने आप को भी बिजी रखे, उनके लिए कभी ये जोड़ा सिलवा रही हूँ, ये बनवा रही हूँ, मना करती रहती है मत करो मत करो। और इस एज में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, इनका दिमाग कुछ बच्चों की तरह हो जाता है, बात बात पे रो देते हैं, बात बात पे इनको ये लगता है कि हमारी बात माने, हमारी बात माने। अभी मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा कभी कभी चलता रहता है लड़ाई झगड़ा, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ सिर्फ अम्मी की वजह से। मेरे हस्बैंड की मिस्टेक होती है, अम्मी कहती है चुप हो जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्यों चुप हूँ, लेकिन मैं जैसे मेरी माँ बोल रही होती है मैं चुप हो जाती हूँ कि ये वाला टाइम गुजर गया ना तो कल को मुझे ये वक्त याद आएगा। मेरी मम्मा, अम्मी ने मुझे रोका था, मैं वहां से नहीं रोकी थी, तो मैं रोऊंगी, तो मुझे ऐसा वक्त कभी भी याद करके नहीं रोना कि मेरी माँ ने मुझे वहां से मना किया था, वहां से मना किया था। क्योंकि मुझे लगता है बस माँ बाप जैसे बच्चों की तरह हो जाते हैं ना, उनका हमें वैसा ख्याल रखना चाहिए। अब हम अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, ये दिला रहे वो दिला रहे, 10 दफा बात पूछेंगे हम, 10 दफा जवाब देंगे, और माँ अगर 10 दफा बुलाए तो हम नहीं जवाब देते। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा सीखी है जब से मेरे अब्बू गए इस दुनिया से। तो उसके बाद और बहुत ज्यादा मैंने जो ठोकरें भी खाई हूँ उसके बाद भी, मुझे ऐसे लगता है कि माँ बाप से एक करीबी और प्यार का रिश्ता इस दुनिया में, एक मुखलिस रिश्ता कोई भी नहीं है। जितना हो सकता है, जितना टाइम आपके पास है, अपना हर एक मिनट जो है ना अपने माँ बाप के साथ परफेक्ट बनाओ, प्यारा मोमेंट बनाओ, खूबसूरत बनाओ, ताकि जब वो वक्त गुजर जाए, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ ना हो, तो कभी भी ये टाइम याद करके मत रोए कि हमने माँ की ये वाली बात नहीं मानी थी और बाप की ये वाली बात नहीं मानी थी। तो बस अभी मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और मैं यही मैं अम्मी को भी सुला कर आई हूँ। मैं सबको ये कहती हूँ कि अपनी माँ की इज्जत करो, माँ जैसा तोहफा जो है ना इस दुनिया में खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, और जिसके पास है ना तो उसको वेस्ट ऐसे मत करो, उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। मैं जाकर सोती हूँ, अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच आज का व्लॉग वॉच करने के लिए, बाय बाय।